इंडिया के बारे में मैं यही बोलूंगा, वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडियंस। जबरदस्त फाइनल के लिए हम लोग आए थे और बड़ा एंजॉय किया। इससे बड़ा जो है अच्छा रिटायरमेंट नहीं होगा कि किंग जो है, किंग ऑफ क्रिकेट जो है, वो रिटायर हो रहा है। क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, जो उसके मूव्स होते हैं राइट। बुमराह ऐसा बॉलर है जिसको कंडीशंस नहीं चाहिए होती हैं। शाहीन भी एक अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि अभी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। विराट इज अ चैंपियन इन हिज ओन लीग, अगर भी जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट से कंपेरिजन करना आई डोंट सी दैट। पाकिस्तान में कराची से हम लोग दोनों, और यहाँ पे हम लोग न्यूजर्सी से आए हैं, और ज़बरदस्त फाइनल के लिए हम लोग आए थे और बड़ा एंजॉय किया। और इंडिया के बारे में मैं यही बोलूँगा, वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडियंस। यहाँ पे जितने भी इंडियन यू नो स्पेक्टेटर्स हैं, सब लोग आए थे, और आई थिंक वर्ल्ड कप जो था, खासतौर पर विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, सो द वे ग्रेसफुली ही रिटायर्ड आफ्टर दिस T20, उससे बड़ा जो है अच्छा रिटायरमेंट नहीं होगा कि किंग जो है, किंग ऑफ क्रिकेट जो है, वो रिटायर हो रहा है। बाकी आई थिंक और टीमों ने भी अच्छा खेला, बट आई थिंक टू बेस्ट। सो आप ये देखें कि आई थिंक क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, जो उसके मूव्स होते हैं राइट। हर्षदीप को कब लेके आना है, बुमराह का 16th ओवर था विच वॉज वेरी क्रूशल, लेकिन फिर पांड्या को वो 17th ओवर में लेके आए और पांड्या गॉट द विकेट ऑफ क्लासन, जो कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला उनको, एंड आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। आप कहीं से ये नहीं कह सकते थे कि साउथ अफ्रीका जीत रहा था या इंडिया जीत रहा था, बड़ा बैलेंस गेम चल रहा था, बट एट दी एंड आई थिंक इंडियंस बींग यू नो लाइक उन्होंने दिखाया कि इमोशनली वो कितने यू नो सुपर फिट हैं, और कॉन्फिडेंटली उन्होंने जो है वो ये विक्ट्री की। यार आई थिंक कंपैरिजन में, आई मीन एज अ पर्सनल लोन मैं कंपैरिजन नहीं करता। बुमराह इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉलर। मैं इंडिया पाकिस्तान के गेम में था न्यूयॉर्क में, हम लोगों ने देखा शाहीन बोल्ड रियली वेल, और बुमराह ऐसा बॉलर है जिसको कंडीशंस नहीं चाहिए होती हैं। वो हर पिच में और हर कंडीशन के हिसाब से अपनी बॉलर और अपनी बॉल्स को वेरी करता है वो। शाहीन इज ऑल्सो अ गुड बॉलर, बट अगेन यार अगेन यू नो टाइम यार वो, आई मीन शाहीन भी एक अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि अभी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जो उसके सीनियर्स हैं, आई मीन उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए इन द मिडिल के अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। एक चीज़ मैं सिर्फ ये बोलूंगा, एज अ क्रिकेटर मैं खुद भी खेलता हूँ, शाहीन की जो स्लो बॉल होती है वो आप बहुत दूर से ही पिक कर लेते हैं, और बुमराह की जो स्लो बॉल होती है बिल्कुल राइट मोमेंट में वो अपनी रिस्क को मूव करता है। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी सजेशन है मेरे हिसाब से। अगेन देयर इज नो कंपैरिजन, विराट इज अ चैंपियन इन हिज ओन लीग, ही इज अ किंग। बाबर भी एक हद तक एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन आई थिंक बहुत सारे एरिया हैं जहां पे उसको इंप्रूवमेंट चाहिए। बाबर भी जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट से कंपैरिजन करना आई डोंट सी दैट।